अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सादिक वी नायगल आ गई हूँ आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके। तो आज है 23rd रमज़ान और आज है सैटरडे और हमारे घर में है इफ्तार की पार्टी। तो कल रात थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस हुई थी, उसका जो क्लिप है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। तो अभी तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं, सिर्फ घर के लोग हैं, मेरी फैमिली, भाभी की फैमिली और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, बस बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया है। तो अभी चल रही है तैयारियाँ, तो कल रात की तैयारी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी क्या क्या हो गया है तैयार। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने इफ्तार के कल के लिए तैयारी कर ली है और ये चने ही भिगो के रख दिए हैं ताकि कल जब बने तो बहुत अच्छे बने। एक दिन पहले रात में भिगो दो तो नेक्स्ट डे बहुत अच्छे बन जाते थे। हम लोगों ने काले वाले चने लिए हैं और ये जर्दे के लिए चावल लिए हैं और ये है, ये फिर से हम लोग के चिकन वाला खिचड़ा बनेगा। तो ये सब भाभी ने दलिया है और इसमें दालें हैं, इसको जब सैरी में उठेंगे तब भाभी इसको भिगो देंगी। तो ये सब अभी रात में निकाल के मिला के जो जो चीज़ें चाहिए वो रख दी हैं और ये जर्दे के लिए चावल, बाकी बिरयानी जो है वो बाहर से बन के आएगी। तो फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बदली बदली वाला मौसम है तो गर्म नहीं है। कल बहुत गर्म थी तो हम सोच रहे थे कि कितनी गर्म में क्या करेंगे। तो ये देखिए हमारे मिनी मिनी, तो देखते हैं ज़रा से हमारे आम के क्या हाल हैं। ये देखिए मैंगो भी बड़े हो रहे हैं हमारे, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और बाकी क्या हो रहा है, ये दानी है, गुड मॉर्निंग। और हुमायूं भी उठ गया है, हुमायूं खेल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। और सब काम चल ही रहा है, ऑलमोस्ट अभी यहाँ सब सफाई वफाई हो गई है। तो हम लोग रोज़ इफ्तार आज हॉल में करेंगे सब लोग। दानी बाहर नहीं जाइए, बाहर नहीं जाओ, अंदर ही रहो। सो फ्रेंड्स, ये जर्दे के लिए जो चावल थे वो बॉयल हो गए हैं, सिर्फ उसको कलर में बॉईल किया है भाभी ने पानी में कलर डाल के। अब इसकी लेयरिंग होने जा रही है। सबसे पहले नीचे लेयर में डाला है देसी घी, उसके ऊपर चावल डाले हैं। शक्कर का अंदाज़ा, अब जैसे एक किलो चावल में एक किलो शक्कर पड़ती है तो आज बन रहा है 2 किलो का जर्दा। तो 2 किलो चावल लिए हैं और 2 किलो ही शक्कर पड़ेगी, तो आप अपने हिसाब से उसको लेयर कर दें। पहले चावल फिर शक्कर, चावल शक्कर, इस तरह करके उसकी लेयरिंग हो जाएगी। फिर उसको लेयरिंग करके उसको दम पर लगा दिया जाएगा। और ये है खिचड़े की दाल, बॉयल होने के लिए रख दी है। इसमें ये नमक, बंद कर दो, हल्दी, मिर्चा, इसमें कितने सीटी आएगी अभी? कम से कम 4 सीटी आएंगी कम से कम। सो बादाम मम्मी काट रही हैं बाहर और ये भाभी ने किशमिश और चिरौंजी निकाल रही है और ये जर्दा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें सब कुछ रोस्ट करके भाभी देसी घी में रोस्ट करेंगी, उसके बाद सब कुछ जर्दे में डाल देंगी। एंड जब बिल्कुल शाम के टाइम, जब खाने का टाइम होगा तब उसके ऊपर खोया डाल के तब उसको निकाला जाएगा। तो ये चना आज हम लोग बनाते हैं मसाले वाला, नॉर्मल बॉयल वाला नहीं बनता है। तो ये चना देखिए रात में जो भिगोया था वो हो गया है और इसमें ये टमाटर है और ये कुकर हमने चढ़ा दिया है, बाकी ये प्याज काट लिए है। और देखिए प्याज इतनी जहरीली थी कि मेरी आंखों की हालत क्या हो गई है। भाभी देखिए कितना काम किया है हमने, बहुत खतरनाक प्याज थी। और अभी बहुत सारी फुल्की प्याज की पकौड़ी बननी है तो हमने वही भाभी से कहा है उसका कुछ इंतज़ाम किया जाए। और ये जर्दा हमारा रेडी हो गया है, बस हमने खोया नहीं डाला है, बाकी सब बादाम और किशमिश और चिरौंजी सब डाल दिए। और ये पकौड़ी की प्याज हो गई है, काट दी है और ये भाभी
खिचड़े को बघारने के लिए प्याज काट रही हैं। तो खिचड़े में भाभी ने जो था वो दाल होके उसमें चिकन डाल दिया था, तब मैं कुछ करी थी तो मैं भूल गई बनाना। और ये दो पैकेट जो है जो मसाला ओट्स नॉर्मल सफोला के आते हैं वो डालेंगे, तो उसमें जैसे वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है और जो लस होता है वो आता है, तो इसीलिए ये ओट्स बन रहा है। सो फ्रेंड मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ऐसे नॉर्मल से ही सूट पहना, इसका दुपट्टा जो था ना वो जैसे ये प्रिंट है इसमें का था, तो वो मैंने सोचा कि वो मैं संभालना पड़ता, ये मैंने सिंपल सा दुपट्टा ले लिया है और मैं मेकअप वेकअप नहीं करना है, तो ये मैं रेडी हो गई हूँ। चीबा भी आ गई हैं, फैजी भाई आ गए हैं, जो जरिया पर बच्चे आ गए थे। काफ़ी देर से हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब सब आ जाते हैं तब जाके घर में थोड़ी चहल पहल होती है, तो कम से कम 10-15 फ़ोन के बाद जरिया पर फाइनली आ ही गई। उसके बाद ये हमारा उमर बेबी आ गया है और बिलाल भाई बहुत सारा पानी, जो पानी की बॉटल थी तो वो बिलाल भाई सब ले आए हैं। हुमायूं सो रहा है, ये कौन आ गया? उमर, उमर हाय करो। हाय। धीमे धीमे धीमे, हुमायूं सो रहा है, मारेंगे बस। हाय बिलाल भाई, बिलाल से हेलो। तो सारे बच्चे आ गए, जरियापा आ गई है और झूले के लिए लड़ाई हो रही है, और हुमायूं को मैंने सुला दिया था, इसलिए लोग इतना चिल्ला रहे थे पक्का हुमायूं हो जाएगा। और मैंने ज़रा सा मेकअप किया है, बहुत ज़रा सा, इसकी स्किन बहुत डल और मेरी आंखें डार्क सर्कल में इतनी खतरनाक लग रही थी, तो मैंने ये वॉच पहनी है। वैसे शाइस्ता पी की मैं बता दूँ क्या फ़ायदा, वो कमेंट नहीं बना, पहले मैं खुद बता दूँ, तो अभी मेरी वॉच चार्ज नहीं थी तो मैंने ये पहन ली। और एक हाथ में आपने चूड़ी पहन ली है, तो मैं तैयार हो गई हूँ, चूल्हे किचन में चलते हैं। तो अभी उन्होंने बर्तन निकाल लिए हैं, इसमें हम लोग जो मेन पकौड़ी वकौड़ी निकालेंगे और फ्रूट्स निकालेंगे, और बाकी ये जो है डिशेज इसमें हम लोग निकालेंगे, जो चना बनाया और खिचड़ा बनाया है तो ये सब निकाल लिया। बाकी जो है हमने फ्राइवर के भी कुछ, सॉरी वो डिस्पोजल वाले बर्तन भी मंगवाए हैं हम लोगों ने, ये थोड़े बहुत हम लोग ये यूज़ कर लेंगे और थोड़े बहुत हम लोग डिस्पोजल के बर्तन यूज़ कर लेंगे, तो ये सब निकाल लिया है। और ये फेरी वाला झूला था, मैं दिखाना भूल गई थी, तो एक बड़ा झूला आया है एक फेरी का। और ये भाभी पर्दा लगा रही हैं, अभी भाभी रेडी नहीं हुई है, भाभी अभी दोबारा रेडी होती हैं, अब ऐसी तैयार हुई हैं। तो तैयारियां चल रही हैं, अरे दानियाल एक मशीन रख लीजिए, हमारा खिचड़ा बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। बाकी ये पापड़ तलने के लिए निकाल लिए हैं, ये वाले जो अनियन वाले पापड़ होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। तो पकौड़ी के लिए मैंने प्याज बेसन नमक मिर्चा और हल्दी जैसा कि मैं कलर कर डालती हूँ वो मिला के मैंने रख दिया है, ये इतने बड़े पकौड़ी के लिए। तो ऑलमोस्ट ये कम से कम 3 किलो इसमें प्याज है और 1 किलो बेसन है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 किलो नहीं इसमें कम था बेसन। और ये पापड़ शिवा भी तल रही हैं, देखिए कितना काम करा रही हैं भाभी शिवा भी से, बस ये पापड़ बाकी इसमें तल के रख दिए गए हैं, और ये बाकी ये पापड़ है।
और अम्मी और शासपी भी आ गई थी और डैडी नहीं आ पाए, वो बनारस गए हुए हैं। तो अम्मी हुमायूं को लेके बैठी हुई थी और बाकी शासपी लोग कमरे में सब बैठे हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, तो पकौड़ी देखी बन रही हैं और ये बन गई हैं, बाकी सब पैकर वाकर ने कर दी है। अरे भाभी चाहिए तैयार होके, अभी तक आ नहीं पा रही हैं, दोबारा तैयार होंगी अभी ये, और ये ऑलमोस्ट सब काम चल रहा है और बाहर लाइट्स भी लग गई हैं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग ने लाइट्स लगवाई हैं घर में, ऐसे ही बच्चों को दानी आ रहा, बच्चों को बहुत शौक है फेरी दानी को, इसलिए इन लोग के लिए हम लोग ने लगवा ली लाइट्स। ये हमारी ज़ारा आ गई। सारा कहाँ गई, कहाँ गई? और उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दी थी, टाइम होने वाला था, और ये दोनों बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी इफ्तारी लगवाने में, और सब अब धीमे धीमे आ गए हैं। इसके बाद अजान का टाइम हो गया था और सब आके बैठ गए थे, सारे मेहमान माशाल्लाह से आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद सब ने मिलकर रोज़ा खोला और बाकी सब ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग फिर रोज़ा खोल लिया था, फिर बच्चे सब बाहर खेल रहे थे, हम लोग ऐसे बाहर आए थे बच्चों को देखने के लिए। और ये देखिए रात में इतना अच्छा लग रहा था, कि उन्होंने लाइटिंग जिन्होंने करी है उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग की थी, ये रोशनी बहुत हो गई थी। जब हकीके में भी हम लोगों ने लाइटिंग करवाई थी दानी के बदे, पर इस बार ज़्यादा अच्छी लाइटिंग हुई है। और बच्चे बड़े बच्चे जो बाहर खेल रहे थे और दानियाल और उमर ये लोग अंदर खेल रहे थे। और ये हैं भाभी हमारी, सूफिया भाभी, जैन भाभी और दिया भाभी, इनको तो आप जानती ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, बहुत 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 शुक्रिया सबका। उसके बाद अंदर हम लोग जेबा पी हमारी बनाना खाई थी, मैंने बदतमीज़ी करी, वीडियो बना ली उनकी, और सब लोग अब बैठ के थोड़ा सा खाना खाने से पहले रोज़ा खोल के चिल कर रहे हैं, थक गए हैं सब बहुत। तो एक रोज़ा खोलने के बाद एक थोड़ा सा रेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद शिवा पी जा रही थी तो उनको छोड़ने हम लोग सब बाहर आए थे, शिवा पी और फैजी भाई दोनों जा रहे थे, उनकी कैब आ रही थी और सब लोग बाहर आके खड़े थे, सैर लोग हम लोग बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम शाम को बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद आधे लोग अंदर खाना खा रहे थे तो आधे लोग बाहर खाना खा रहे थे। उसके बाद खाना वाना हुआ और सबसे ज़्यादा हेल्प हम लोग की राशिद भाई ने बहुत हेल्प करी खाना खाने में, उनकी वजह से बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो जब मुंह छुपा रहे हैं हम उनके स्टिकर लगा देंगे मुंह के ऊपर। अरे चलो ठीक है ठीक है, जो उतारा था वो रख लिया था। सारा घूम गया, सारा अब ये आखिरी है, अब उसके बाद आइसक्रीम नहीं बची। टोपी पहने तो सही लगते हो, ऐसे उतार के खराब लगते हो तुम, ऐसे लगता है रिचा जैसे। मुझे चलो चलो बैठो आगे जाके बैठो। बिलाल की है, बिलाल की है, अरे बंद हो गया, अरे फेंको आइसक्रीम कसम से। बाय बिलाल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कटवा भी कैसे होगी खींच लो, तुम्हारा माशाल्लाह शादी वाली है। जानी के भाई, उसके बाद जरिया पर चली गई थी, फिर राशिद भाई सूफिया भाभी जा रही थी। Thank you.
ये लोग कैसे जाएंगे? दो बाइक है, दोनों बाइक पे बैठ के चले जाओ। हम लोग नहीं, हम लोग तो चले जाएंगे दो बाइक को। फिर हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली सब चले गए हैं और रमजान का जो हमारा ये इफ्तार पार्टी थी वो बहुत 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 अच्छी रही। सब लोग आए और सबने बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी, दोनों ने बहुत इंजॉय किया। हुमायूं ने अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल परेशान नहीं किया, वो काफी टाइम तक सोते रहे। तो आप लोगों को कैसे लगा व्लॉग जरूर बताइएगा, और जो लोग देखते हैं और जिनसे मुझे पता चलता है कि वो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और दानी को देख लीजिए कितना थक चुका है, दानी ने तो बहुत मजे किए, मतलब भागते भागते मुझे पता ही नहीं था दानी था कहाँ, इधर से उधर इधर से उधर। तो सब कुछ हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सोने के अभी मैंने खाना नहीं खाया, भाभी ने भी नहीं खाया, अम्मी ने भी नहीं खाया, तो हम लोग तीनों ने खाना नहीं खाया। हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद फिर आज हुमायूं बहुत सोया तो वो शायद जगेगा। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मैं डेली ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग के साथ, चलिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।